दोस्तों लॉकडाउन ने देश का बुरा हाल कर दिया है। कुछ काम धंधे बंद हो गए हैं और जो अभी चालू हैं वो महंगाई की मार को झेल रहे हैं। जी हाँ, दिन और रात पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुंबई के बेकरी उद्योग के बारे में। जो आप सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, वड़ा पाव जो खाते हैं, मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली ट्रेन और वड़ा पाव। जी हाँ, आज मुंबई में एक छत के नीचे सभी बेकर इकट्ठे हुए। सभी ने अपनी अपनी राय रखी, सभी ने अपनी अपनी शिकायतें रखी। सभी का कहना है कि मैदा, घी, तेल सभी चीजों के रेट बढ़ चुके हैं। आज हम पुराने रेटों पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी रेट बढ़ाकर मिले। हम काफी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सभी ने एक राय रखी और नासिर अंसारी को अपना प्रेसिडेंट बनाया। नासिर का कहना है कि इन सब की बातें सुनी जाएगी और जितना हो सके इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। एक ऐसा रेट रखा जाएगा जिससे बेकरी बंद ना हो, इसलिए ये और लोगों को पूरी पूरी रेट ये एक लेवल की बात। जी हाँ, अभी कुछ ज्यादा भाव कोई कम कोई इससे ज्यादा भाव नहीं बढ़ा सकता। कोई ये एक लेवल बढ़ाना है, बस उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए हमने अपने नासिर भाई को चुना है और इंशाल्लाह ये काम होगा। बस हमने ये जो मीटिंग बुलाई है इसी बात के लिए बुलाई है कि भाई आज जो रेट होगा वो सेम होगा, बराबर होगा। जिसके भाव ज्यादा है उसको कंट्रोल में लाया जाएगा, उसको जिसके भाव ज्यादा है उसको कंट्रोल में लाया जाएगा। जो तीन का बेच रहा है वो ढाई का बेचेगा। मार्केट में भाव रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही बिके। आज का जो एजेंडा है, हाँ, हमारा एक इलेक्शन का एजेंडा था कि हम लोग आज इलेक्शन करेंगे। तो हमने अपने प्रेसिडेंट जो है वो नासिर अंसारी को आज चुन लिया और दूसरा एजेंडा हमारा है भाव का, तो वो हमने 12 पाव पे 2 रुपया बढ़ाया है और रिटेल पे हमने कुछ बढ़ाया नहीं है। जैसा है पब्लिक को वैसा ही मिलेगा भाव। सिर्फ हमारा जो बीच का डिफरेंस है होटल वालों से, फेरी वालों से, वो हमने 2 रुपये उससे बढ़ाया। इसलिए पब्लिक के ऊपर कोई भार आने वाला नहीं है इसके भाव से, और उनको ऐसे ही मिलता रहेगा जैसे पहले मिला है। ठीक है, ये हमारा आज का मुद्दा था, वो हमने उसको कर लिया। ओके सर, आप बोलिए थोड़ा जोर से, जो आज का जो एजेंडा था, जो मीटिंग था, क्या कंक्लूजन हुआ उसके बारे में थोड़ा बताओ। कंक्लूजन कुछ नहीं हुआ उसमें। हमने हमारा लीडर नया चुना है, ये हमारे नासिर भाई है, उनको हमने हमारा लीडर चुना है। उस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि जो बेकरी का भाव है, वो बेकरी का भाव जो बढ़ा है वो एक बराबर सबके लिए हो। पुरानी जो शिकवे शिकायत है लोगों के दिल में कि मैंने उस टाइम पे ये किया था और ऐसा किया था और ये हुआ था, वो हमको वो नहीं चाहिए। आज एक भाव तय होगा और वो पूरे बम्बई का तय होगा। ये नहीं कि मतलब बॉर्डर की कुछ बेकरी है वो अलग रहेगी और कुछ इस तरफ की बीच के हिस्से की बेकरी रहेगी उसका भाव अलग रहेगा, ये सारी चीज़ें नहीं है। भाव एक रहेगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अब यहाँ पे भाव कुछ डिफरेंट तय हुआ जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, लेकिन हमारा लीडर हमारे साथ में जो इस चीज़ की आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है, जो जैसा भाव था वो हिसाब से रेट वो हम लोग करेंगे, वो हमारा इंटरनल मैटर। हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। लास्ट का भाव, जो अभी का भाव, जो नया भाव है, क्या कुछ अंतर है? मतलब उसमें कुछ डिफरेंस है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने भाव रखा था उसके बाद में कुछ मैदे वगैरह का रेट कम होने के बाद में कुछ बदमाश बेकरी वालों ने अपना वजन कम करके और कम रेट में माल देने लग गए। उससे हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो भाव है, आज जो बात तय हुई है, वो एक तरीके से सारी चीज़ के लिए सेट होनी चाहिए। जो भाव रहेगा वो पूरी बम्बई में एक ही भाव रहेगा और इससे आम जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता को जो जिस भाव में कल पाव मिल रहा था उस भाव में आगे भी पाव मिलेगा सेम रेट में, उसके लिए कोई मसला नहीं। तो मुंबई के पूरे जो सब यहाँ पे अटेंड हुए आज? हाँ, मैक्सिमम तौर पे पूरे अटेंड हुए। जैसे कि आप वो सब सहमत हैं आपके जो नए जो रूल्स के नए भाव के साथ? अभी अभी हमारी उस पर बात चल रही है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है।
वो क्लियर करेंगे, जो जिनके प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर करेंगे। नए सब चीज़ें लेकर आप लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ? बस जोड़े देखो, जुड़े हमारे आज हमारे बेकरी वाले एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो इनको बोलने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते रहेंगे, सब जुड़े रहेंगे, सब जुड़े रहेंगे, कदम बढ़ाकर चलना है। पब्लिक और जिस तरीके से बेकरी वाले हैं सभी को साथ में लेकर, सबके हित के साथ, जी 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 सबको साथ में लेकर चलना है। पब्लिक के लिए तो भाव बढ़ाया ही नहीं हमने, पब्लिक को जैसा है वैसा मिलता रहेगा, आम जनता के लिए पाव का भाव वही रहेगा, वही रहेगा। अभी जो बहुत महंगाई हो रही है वो हिसाब से हमने सोचा है कि हमारे बेकरी वालों को थोड़ी राहत दी जाए, थोड़ा हमने होलसेल का रेट बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया है, हमने बढ़ाया हमारे बेकरी वालों के साथ में हमारे मैदे वाले भी है। सो सर, क्या कुछ आपका एक मतलब डिसीजन था, क्या डिस्कशन हुआ उसके बारे में? जिस तरीके से मैदे का भाव बढ़ रहा हो कह रहे, उसकी वजह से पाव के जो अलग अलग चीज़ें बेकरी वालों को बढ़ाना पड़ रहा है, तो मैदे में भी आप लोग थोड़ा डिफरेंस लेकर आएंगे? इसमें एक्चुअल ऐसा है कि अभी बीच में एक्सपोर्ट चालू था गेहूं का, उस पर काफ़ी रेट गवर्नमेंट ने ही बढ़ा दिया था या एक्सपोर्ट हो रहा था उसके वजह से बढ़ रहा था, और ये बेकरी वाले जो हैं ये पर डे कोई रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, इनका साल का साल कोई रेट चलता रहता है, तो जो इनका रेट है मान लो 10 रुपये का रेट है, अब ये मैदा अगर 1500 का भी बेचारे खरीद रहे हैं तो भी ये 10 ही रुपये में बेच रहे हैं, तो इनका तो लॉस हो रहा है ना 100 रुपया पर बैग उधर से, तो उसके लिए ये मीटिंग रखे हैं कि मैदे का जब भी रेट बढ़ जाता है, आज ही बढ़ा चल रहा है भाई, गवर्नमेंट हर साल एमएसपी बढ़ाती है, लेकिन ये बेकरी वालों का कहना है कि हमने 2017 से पाव में रेट नहीं बढ़ाया है, तो ये ज़रूरी था इनके लिए बढ़ाना, कि अगर उसके हिसाब से हम देखा जाए पर ईयर 100 रुपया पर कुंटल गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ाती है, तो इनको कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ाना ही चाहिए था। उसमें एक बात कही जाए कि मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि पाव से कई ऐसे लोग हैं जो अपना घर चलाते हैं या अपना पेट भरते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप लोग उनके बारे में इसमें सोच कर सकते हैं? हम उसके लिए उनके जो एक्चुअल गरीब तबके के लोग हैं या मतलब ऐसे लोग हैं उनके लिए ये लोगों ने भाव बढ़ाया ही नहीं है। एक्चुअल क्या हो लगेगा कि भाव बढ़ा नहीं, ये हमारा इंटरनल मैटर है, भाव बढ़ाने के साथ में हम पब्लिक को उसमें क्वालिटी भी देंगे, क्वांटिटी भी देंगे, क्वांटिटी भी देंगे, क्वालिटी भी देंगे। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आएगा, थोड़ा जोर से बोलिए। पहले इनका हो जाने दीजिए, फिर आप लोग अपनी बात। हाँ हाँ, पहले 3 दिन का हो जाए और 3 दिन आप वापस आ जाए। ओके सर, बताइए। हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए। ये जो रेट है, हम लोगों ने जो रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है, यानी ग्राहक से और हमारा रिटेल जो है हमारा बेकरी से वो सेल टू सेल रहेगा, यानी पब्लिक को उसको कोई असर आने वाला नहीं है, यानी जैसे 2 रुपये का पाव बिक रहा था बेकरी के ऊपर, तो 2 ही रुपये का बिकेगा वो, हम उसको 2.5 रुपये नहीं देंगे, या कहीं 2.5 बिक रहा था वो 3 नहीं कर रहा, या वो कोई बड़ा पाव दे रहा कहीं 1-2 जगह भाई 3 रुपया तो वो 3.5 रुपये, वो रेट पब्लिक को वही मिलेगा जो है, सिर्फ हमारा इंटरनल मैटर है ग्राहक के साथ कि हम उसको 2 रुपया बढ़ा कर देंगे, इतना ही हमारा करना है। नासिर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या क्या जिम्मेवारियाँ मिली है आपको आज? अभी तो पब्लिक ने चुना है, वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे इंशाल्लाह मैं इस जिम्मेवारी को पूरी करूँगा, और हर साल कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आते रहती है हमारे बेकरी वालों से, कोई सुनने वाला सुनवाई करने वाला नहीं, तो इन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत इनका बहुत शुक्र करता हूँ। हमारा कोई रहबर नहीं है, तो इन्होंने मुझे इस लायक समझा, इंशाल्लाह इनकी हर चीज़ हर तकलीफ में दूर करूँगा। तो आपने कुछ अपनी रणनीति तैयार की है? जी जी, मैंने अपनी टीम तय की है, पूरी टीम बनाई है बहुत अच्छी, जो ज़मीनी लेवल पे काम करेंगे, हर बेकरी में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, हर तरह से इनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। हम मानते हैं बुरा वक्त है, एक तरफ से महंगाई है, दूसरी तरफ से देश में कोरोना था, बेकरी बंद हो गई है, बहुत सारे लेबर नहीं मिल रही है, आटे दाल चावल हर चीज़ें डबल हो गई है, कितना मुश्किल था इस टाइम में आपको बनाया है इन्होंने, कितना मुश्किल है? ये तो मुश्किलों में ही जीते आ रहे हैं, इन्होंने मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारी है, बहुत मुश्किल देख देख के आज इन्होंने देखा कि कुछ लोग सब लोग हमारी टीम है, मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ इस चीज़ के लिए, हमारी टीम चल रही है और टीम वर्क हम कर रहे हैं पूरी तरह से, हर बेकरी में जा जाके हम उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे, हर चीज़ का समस्या दूर करेंगे। आपको क्या लगता है कि
और टीम जब काम करती है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। कितना रेट बढ़े हैं अगर बात करें लॉकडाउन से पहले की, अगर बात करें आज की बात करें, बीच में तेल के रेट बढ़े हैं, खाने के तेल के रेट, पेट्रोल डीजल सब बढ़ा है, हर चीज़ का रेट बढ़ा है। कितना डिफरेंस आया है इसमें आपकी मार्जिन में? बस ये समझ लो कि अगर हम अभी रेट नहीं बढ़ाएंगे तो हम बंद करने के उस पर आ जाएंगे, इतना रेट बढ़ गया। मुंबई जो है बेकरी का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ी बिजनेस है, जी जी, शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह होगी जिसमें सबसे ज़्यादा बेकरी मुंबई में है। सबसे तो ये अगर सरकार से क्या चाहती है, अगर नहीं होगा तो ये धंधा बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब हम एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, अगर अब हमारा भाव नहीं बढ़ा तो हमारी बहुत सारी बेकरी बंद भी हो चुकी है और बहुत सारी बंद होने के लाइन में है, तो हम इस टाइम पे भाव नहीं बढ़ाएंगे या इस टाइम पे इन लोगों को नहीं संभालेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरा एक और मुद्दा है जैसे कि पोल्यूशन का मुद्दा, दिल्ली जैसे शहर में पोल्यूशन को करके सब बेकरी बंद कर दी है मोस्टली, जी जी, उसके लिए भी सरकार काफ़ी परेशान करती है, उसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? कि काफ़ी पोल्यूशन का तो बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं हमारे, जी अभी डीजल में हो गए, इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं, पोल्यूशन का बहुत ख्याल रख रहे हैं हमारे बेकरी वाले, पहले एक अलग दौर था, अब काफ़ी इसमें टेक्निक चेंज हो रही हैं, मशीनें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, लेकिन कोई हमारा संभालने वाला रहबर नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। अब इन्होंने मुझे चुना है, मैं इंशाल्लाह इन लोगों के काम। आप चाहते क्या है, एक बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि बेकरी वाले परेशान नहीं हो, हर साल इनका भाव बढ़े, जब मैदे का भाव बढ़े, घी तेल का भाव बढ़े तो इनका भाव बढ़े, मैं ये चाहता हूँ, ये खुश रहे। अभी कहाँ कहाँ से लोग आए आपके पास? हमारे पास भंडूप से आए हैं, धारा से आए हैं, पूरे बॉम्बे से सब जगह से आए हैं। लेकिन कुछ लोग अभी चिल्ला रहे थे कि दो रेट की बात है, रेट एक जैसा बढ़े, ये रेट के कुछ डिफरेंस है, उनके प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस में कुछ एक रुपए का डिफरेंस है, कैसे वो कुछ 9 रुपए और 10 रुपए का लफड़ा है तो वो हम क्लियर कर देंगे, 18 रुपए 20 रुपए 1-2 रुपए का वो है तो वो बैठ के मैनेज में हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक आम आदमी की आपकी आवाज आम आदमी तक पहुँचे, एक साफ शब्दों में जो एक पाव जो है उसकी कितनी कीमत है और बढ़ के कितना हो जाएगा? पाव की कीमत ऐसी है कि अगर वड़ा नहीं चले, अगर पाव नहीं होते तो पाव की तो इतनी कीमत है मुंबई में, मुंबई लोकल ट्रेन और वड़ा पाव ही जाते हैं, वड़ा बिना पाव के बेकार है। आप चाहेंगे तो मुंबई रुक सकती है? अगर हम नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ऐसा कभी चाहेंगे नहीं कि मुंबई रुक। गवर्नमेंट ने नहीं सुनी बात या फिर का मसला हल नहीं हुआ तो कितनी प्रॉब्लम आने वाली है? नहीं, गवर्नमेंट हमको कभी मना नहीं करती, गवर्नमेंट जब हमारे पर पाबंदी लगाएगी, जब वो हमें कुछ देगी, गवर्नमेंट हमको दे नहीं रही कुछ, तो हम तो ओपन मार्केट से ले रहे हैं तो वो हमको बोलती है जैसे आपको समझता है, आपको जहाँ परवड़ता है वहाँ आप बेचिए, तो हमने जो अब रेट किया है इससे आम पब्लिक का रेट बढ़ने वाला नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस तरह का रेट किया है कि आम लोगों को अगर 2 रुपए का पाव मिल रहा था वो 2 ही रुपए का मिलेगा, कहीं अढ़ाई रुपये का रेट बढ़ाया हमारा रेट जो है ना, ग्राहक और हमारे दरमियान का रेट बढ़ा है, रिटेल का रेट हमने नहीं बढ़ाया, तो इसलिए पब्लिक को कोई तकलीफ इससे होने वाली नहीं। रही सरकार की बात, सरकार तो हमारे साथ है, सरकार से जो हम लोग चाहते हैं वो मिल जाएगा, वो तो बोलते हैं आपको जिस हिसाब से गेहूँ मिल रहा है, मैदा मिल रहा है, आप उसके हिसाब से काम करिए, तो वो हमारे ऊपर पाबंदी नहीं डालती, ये तो हमारा बिजनेस का आपस का जो कॉम्पिटिशन है वो उसके हिसाब से हम लोग रेट तय करें, सरकार हमारे ऊपर कोई पाबंदी डालती है। सरकार मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग आज जुड़े हैं, हम हर महीने 2 महीने में मीटिंग लेते रहेंगे और बेकरी वालों को एक करेंगे, इनकी सारी प्रॉब्लम की सॉल्व करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इंशाल्लाह मैं इनकी हर प्रॉब्लम में हर प्रॉब्लम के लिए खड़ा रहूँगा, जब ये मुझे आवाज़ देंगे मैं इनके लिए खड़ा रहूँगा। आपके पीछे वाले जो आगे बैठेंगे अभी बात करेंगे। जी आप आइए। ये क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भाव बढ़ने की वजह से आम लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, आवाज नहीं आएगी, आम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आम जनता को इससे कोई तकलीफ नहीं है और आम जनता को इससे बेनिफिट है। आप इधर आ जाओ, एक एक करके बैठिए। मेरा बोलना ये है कि हमारी जो मीटिंग हुई है और हमारे जो नासिर भाई, हमने इनको हमारा बड़ा माना, हमने इनको चुना, हमारा सदर माना है, अभी हमारी जो तकलीफ थी, हमारी तकलीफ हम इनके पास लेके आएंगे, लेकिन ये तकलीफ हमारा जो भाव बढ़ाया गया है, तो हमने जो भाव बढ़ाया है, हमने ये रिटेल का भाव नहीं बढ़ाया, और इससे जो आम जनता है, बाहर की जो पब्लिक है, उसको तो और बेनिफिट मिलेगा, उनको तो ये है कि हम क्वालिटी भी बढ़ाएंगे और क्वान्टिटी भी बढ़ाएंगे,
तो इसके लिए आम जनता को कोई इससे परेशानी और कोई तकलीफ नहीं है। ये जो मामला जो हमारे अंदरूनी है, जैसे बेकरी और बेकरी के बीच के जो है, जो सेलर है और जो हम व्यापारी है, तो इससे आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बस ये है कि अभी हमारे नासिरबा हमारी मीटिंग हुई है और जो कुछ प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह हमारे नासिरबा आगे इस बात को रखेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और कोई बोलना चाहता हूँ? सवाल कुछ सवाल आप अपना परिचय दीजिए। आज की जो मीटिंग है हमारी, जो हमारी पहले जो कमेटी थी, तो हमारे जो पहले सदर थे, तो उनकी थोड़ा उम्र 80 साल के करीब हो गई, तो अब हमारे जो बेकरी में परेशानियां हैं तो वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भी कहा कि यंग जनरेशन जो काम करे इसमें, तो हम लोग जो है नासिर भाई को जो उनको मनाया हम लोग ने, तो नासिर भाई ने जिम्मेदारी ली है कि जो हमारा बेकरी का जो व्यवसाय है पूरी मुंबई का, तो हम लोग सभी परेशान थे क्योंकि हम लोग ने इससे पहले भाव बढ़ाया था, तो भाव बढ़ाने के बाद मैदा का कुछ रेट कम हुआ तो हम लोग ने अपने रेट कम कर दिए थे, लेकिन जो दुकानदार और जो बीच वाले थे उन्होंने अपने रेट कम नहीं किए थे, तो इसलिए हम लोग जो है सारे बेकरी वाले इस टाइम लॉस में जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग ने अभी नया कमेटी अपना जो सदर हम लोग ने नासिर भाई को चुना है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है कि मैं बेकरी सब जा कर के चेक भी करूँगा और जो भी बेकरी वालों की दिक्कत और जो भी परेशानी रहेगी उसको वो दूर करेंगे, और उसमें इन्होंने युवा अपनी टीम बनाई है, तो हर इलाके में जा कर के उस इनकी सब बेकरी वालों की परेशानियाँ सुनी जाएंगी और भाव भी जो बढ़ाया जाएगा। हम लोग बहुत लॉस में चल रहे हैं, जो भाड़े के बेकरी वाले हैं, किराए के बेकरी वाले हैं, वो कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, मैदा वाले का पैसा चढ़ता चला जा रहा है, मैदा वाले का पैसा मतलब हम लोग को काफ़ी कर्जे में है बेकरी वाले, जो किराए के बेकरी वाले हैं, तो जिस उस हिसाब से जो हमारे बच्चों की जो तालीम वगैरह हो रही, तो हम लोग आजकल मैदा वाले का पैसा चढ़ावा, तो अब ये नासिर भाई की सदारत में जो है अब रेट भी बढ़ेगा, तो हम लोग उस लॉस से निकलेंगे, तो कुछ हमारा व्यापार भी आगे होगा और गवर्नमेंट की भी एकता हमारी इसमें एसोसिएशन में एकता रहेगी, तो गवर्नमेंट से भी हम लोग को जो है सब्सिडी वगैरह जो मिलती है वो लेने का काम करेंगे। आज बॉम्बे बेकर एसोसिएशन की तरफ से सारे बेकरी वालों को बुलाया गया था, उसमें जो एजेंडा था कि नया चुनाव, दूसरा एजेंडा था कि काफ़ी दिनों से बेकरी वालों को रॉ मटेरियल की बढ़ जाने की वजह से घी, मैदा, तेल, शक्कर, डीजल, गैस वगैरह वगैरह, ईस्ट लगने वाली सारी चीज़ बढ़ जाने की वजह से बेकरी वाले बहुत परेशान थे कि हम नुकसान हमारा जो हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए। एक तो ये चर्चा करना था, दूसरा पहला चर्चा करना था कि हमारा एजेंडा है कि हम प्रेसिडेंट चुन लेवे अपना, कोई हमारा रहबर मिल जावे, कोई हमारा अगुआकार मिल जाए, तो सारे बेकरी वाले ने चॉइस किया कि नासिर अंसारी हमारी रहबरी करें, हमारी सदर बने, प्रेसिडेंट बने, लेकिन कुछ मैनेजिंग कमेटी के लोग कुछ पहुँच नहीं पाए किसी कारणवश, तो जब भी ये दोबारा बात होगी हम लोग उनसे बात करेंगे कि सारे बेकरी वाले इत्तेफाक रख रहे हैं कि नासिर अंसारी को प्रेसिडेंट चुना जाए। दूसरी बात ये था कि नुकसान कैसे भरपाई की जाए, और लोगों से ये अपील किया गया है कि हमारी जो पाव है, अमीर और गरीब सारे खाने वाले हैं, ये बहुत महंगा न बिके, इसके लिए बुलाया गया है ख़ास तौर से ये सिर्फ यही है कि ये अमीर और गरीब का जो पाव है हर चीज़ में यूज कर, नॉन वेज वेज दोनों में ये चीज़ यूज हो रही है, तो ये महंगा ना बिक जाए। लोग एक एक पाव की 20-20 रुपया कीमत लेते हैं, 20-20 रुपया हमारे बेकरी से उसकी कीमत 18 रुपया रखी गई है, 18 रुपया 12 पाव का 18 रुपया, और 6 पेड़ा के लादे 10 रुपया, और उसका वज़न पे डिपेंड है कि वजन अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं 500 ग्राम कच्चा काट के, तो उसकी कीमत 20 रुपया है, और गुरुन पाव जो रखा गया है उसको भी नॉर्मल रखा गया है। नासिर भाई एक चीज़ जानना चाहिए, जैसे कि रेट बता रहे हैं चीज़ों के, कोई चीज़ ऐसी है डायरेक्ट जो है कस्टमर तक जाए, हमारे हमारे यहाँ से सुनो, हमारा मेरी बात सुनिए,
चीज ऐसी है, ऑनलाइन भी आजकल चीजें चालू है, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे, जो बीच में मीडिएटर है और खत्म हो जाते हैं, उस चीज को लेकर क्या कहना चाहूँगा? हमारा रिटेल और होलसेल दो भाव है मार्केट में। हमारे रिटेल क्या भाव है, हमारा होलसेल क्या भाव है, दोनों दोनों को हम लोगों ने किस तरह से ये रेट को बढ़ने ना दिया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ ना जावे कि जो लोग महंगाई के दौर में ये पाव भी महंगा मिलने लगे। ये इसलिए मीटिंग बुलाई गई है कि बहुत ज़्यादा महंगा पाव नहीं होना चाहिए, बेकरी का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस लाइन में लगे हुए हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसलिए मीटिंग बुलाया है, नए सदर हम चुनना चाहते हैं, सदर भी चुन लिया गया है, एक कमेटी बनाई जाएगी, तो उस पर सब काम होगा, सारी बात आपको दोबारा भी बताया जाएगा सारे। देखिए ये जो डायरेक्ट की बात आप कर रहे हैं, शुक्रिया, ये डायरेक्ट अगर जाए, ये हमारा पाव जो है ये डायरेक्ट अभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका टाइमिंग जो है वो इतना नहीं है कि उसको डायरेक्ट भेजा जाए, डोर टू डोर के लिए नहीं है। बाकी हमारा जो मीठा माल है, जो टोस्ट है, बटर, वो ऑनलाइन डोर टू डोर हो रहा है, बाकी पाव के लिए अभी वो चीज़ वो नहीं है, तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं, डोर टू डोर जा रहा है लेकिन ऑनलाइन नहीं जा रहा है। ऑनलाइन में जाने का वजह यही है कि उसको हम ज़्यादा बासी नहीं खा सकते, यही वजह से ऑनलाइन हो रहा है, गर्म चाहिए लोगों को। कैसा है ना कि जो मिडल मैन है हमारा, जो सेल्समैन, जो फेरी वाला है, बेकरी से पाव उठाता है, वो डोर टू डोर सर्विस ईच एंड एवरी कॉल पे आता है, पाव लेके जाता है, सर्विस देता है, तो जो भी अगर गैप ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल में लाया जाएगा कि मार्केट में जो हमारी चीज़ जा रही हो ज़्यादा ओवर वैल्यू पे नहीं जाए, कंट्रोल करके हिसाब से जैसे कि चल रहा है उस हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा। जो हमारा मीटिंग का एजेंडा था सबसे पहले, अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन हुआ था हमारे प्रेसिडेंट के लिए, जो आज तक मजबूत नहीं हो पाया था, तो आज हमारा प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो चुका है, वो अपनी मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे, हर बेकरी वाले से जाके मिलेंगे, किसी की दिक्कत है तो उनकी सुनी जाएगी, हर चीज़ की सुनी जाएगी, आज तक कभी सुनी नहीं गई। बहुत लोगों ने ऐसा था जो पोस्ट पे थे पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे, आधे से ज़्यादा टाइम वो एब्रॉड रहते थे, तो ऐसे आदमी से हमारा काम नहीं हो पा रहा था, ये तकलीफ की वजह से हमने बहुत साल निकाल दिए, बहुत तकलीफ झेली। आज के टाइम में देखें तो हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ है हम लोग सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे, अपना जो मिनिमम वैल्यू वो तक नहीं ले पा रहे थे, तो हम लोग अपना वैल्यू लेने के बाद पब्लिक को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो वो हिसाब से चलना चाहते हैं, और ये चीज़ में हमारी मदद करने के लिए ये अकेले इंसान है जो खड़े हुए, बाकी इतने टाइम से कोई तैयार नहीं हुआ था, कोई खड़े होने को तैयार नहीं था, कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं था, तो आज हमने अपना प्रेसिडेंट चुना है, वो अपनी कमेटी बनाएंगे, हर बेकरी वालों से बुलाएंगे, बात करेंगे, सबसे एक राय पे लाके, एक प्लेटफॉर्म पे लाके काम कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हमारे जो भाव को लेके कुछ थोड़ी बहुत 19-20 हो रही है, वो इन लोगों से हम बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या अच्छा सॉल्यूशन है, कुछ लोग कुछ चाह रहे हैं, कुछ लोग कुछ चाह रहे हैं, उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे बैठ के, किसी को नाराज या नर्वस नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर कर लेंगे, हम बैठ गए, हमारे ग्रुप वाले हैं, हम इसको बैठ के इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। मार्केट में जो रेट जा रहा है कम करने की।